नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बहुत अच्छा पौधा। इसको रेड ड्रेसिना कहते हैं या ड्रेसिना कॉर्डिलाइन कहते हैं। बहुत सुंदर पौधा है, आप इसको इंडोर लगा सकते हैं, आउटडोर लगा सकते हैं। बहुत अच्छा, इसका साइंटिफिक नेम है कॉर्डिलाइन फ्रूटिकोसा या फिर कॉर्डिलाइन रूब्रा। बहुत अच्छा लाल रंग का पौधा होता है, मेरून कलर का पौधा होता है, पूरा पौधा में लाल कलर होते हैं। और आप बागान में लगाएंगे तो इतना खूबसूरत दिखेगा। और इसमें बहुत से तरह के कटिंग मैंने इसका पहले भी दिखाया है, दो बार कटिंग मैंने दिखाया है, लेकिन इसमें आपको मैं दिखाऊंगा। ये पत्ते के देखिए कितना सुंदर कलर दिखते हैं। ये जो पूरा पत्ते जो है मार्जिन जो है ये लाल है, और जो बीच का हिस्सा है ये बिल्कुल मेरून कलर का है, और ये नीचे का हिस्सा है जो पूरा मेरून है। बहुत अच्छा पौधा है, आप बागान में लगाइए। बहुत ही बहुत हार्डी प्लांट है, किसी भी तरह का नहीं मरता है और बहुत अच्छा फ्लरिश करता है। इसको केयर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैंने दो पर इसमें वीडियो डाला है कि कैसे इसके कटिंग करते हैं, कैसे प्रोपागेट करते हैं, जैसे डिवीजन कर सकते हैं और कैसे इसको टिप से कटिंग कर सकते हैं। आज मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि लोगों ने बहुत बार कहा कि इसमें आप एयर लेयरिंग कटिंग कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं कोशिश करता हूं कि कॉर्डिलाइन रूब्रा या रेड ड्रेस लाइन में कैसे इसकी ये करते हैं एयर लेयरिंग। और अगर सक्सेसफुल होती तो मैं आपको दिखाता हूँ। आज तक अभी तक किसी ने यूट्यूब में नहीं डाला है कि कैसे होता है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको तो कैसे कॉर्डिलाइन की एयर लेयरिंग करते हैं। ये एयर लेयरिंग की तैयारी कर रहे हैं। तीन हिस्सा मैं ले आया हूँ पत्ते की खाद, जिसको हम लीप मोल्ड कहते हैं, और एक हिस्सा ले लिया मैंने मिट्टी का गार्डन सॉइल। और पत्ते की खाद नहीं है तो आप इसके साथ भार्मी कॉम्पोस्ट या फिर काउडंग कॉम्पोस्ट, जो गोबर की खाद होती है, ये भी ले सकते हैं। और दोनों अच्छी तरह से मिला लें आप। मिलाने के बाद पानी से मिला के इसको डो, जैसे गूंथते हैं आटा गूंथते हैं हम रोटी बनाने के लिए, उस तरह से अच्छी तरह से उसको गोंद ले अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से मथ ले इसको अच्छी तरह से। जितनी अच्छी तरह से मथेंगे उसको उतना अच्छा ही आपका मीडिया बन जाएगा ये ग्रोइंग मीडिया के लिए। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा मथ लेता हूँ अच्छी तरह से, और उसके बाद एक एक इंच का एक एक बॉल बना लेंगे एक एक कटिंग के लिए। हम लोग देखते हैं कि एक इंच का यह कटिंग लगाने के बाद, एयर लेयरिंग कटिंग करने के बाद इसमें रूटिंग होता है कि नहीं होता है। और बहुत तरह के भी कटिंग है, कोशिश करते हैं अगर ये सफल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एक एक इंच के डायमीटर के मैं इसमें से बॉल बना लेता हूँ। बॉल बनाने के बाद इसको हम फिर कुछ प्लास्टिक लेंगे, 4 इंच का कोई प्लास्टिक ले लेंगे, और कुछ पतली सी रस्सी सूतली या फिर कोई धागा ले लेंगे, मोटा धागा, ताकि उसको बांध सके अच्छी तरह इसको कटिंग। तो ये जुलाई अगस्त और सितंबर ये 3 महीना है कोई भी एयर लेयरिंग कटिंग इंडियन कंडीशंस में, इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान श्रीलंका ये जो इलाका है इसमें एयर लेयरिंग करने के लिए जुलाई अगस्त सितंबर सबसे अच्छा महीना होता है, क्योंकि बारिश होती है, हवा में नमी होती है वेदर में, तो और मिट्टी में पानी होता है, बहुत अच्छी तरह से होते हैं ये वेदर, बहुत अच्छा रहता है कटिंग के लिए, कोई भी तरह की कटिंग के लिए। और ये तो मेरा बॉल तैयार हो गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको कटिंग करते हैं। तो मैं ये जो नैरो लिप का जो है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये पतला एक वैरायटी है। और अब मैं इसके स्टेम दिखाता हूँ आपको। ये स्टेम जनरली सिंगल स्टेम के प्लांट होते हैं। ये सिंगल स्टेम के प्लांट में एक चाकू ले लें और इसमें से एक ऊपर साइड में एक रिंग कट ले लें, गोल कट एक कर लें, उसका जो त्वचा है उसकी जो छाल है, छाल के ऊपर का हिस्सा में आप कर लें, और 1 इंच नीचे और एक रिंग कट या गोल कट दे लें आप, और अच्छी तरह से उसकी छाल को आप अच्छी तरह से रिमूव कर लें, ताकि उसका बीच नीचे का जो हिस्सा है जो कैम्बियम का पोर्शन वो निकल आए। तो मैं चीरा लगा लेता हूँ ऊपर, लगाने के बाद इसका मैं उस नाखून से अच्छी तरह से इसका जो छाल है छिलका है वो अच्छी तरह से उतार लेता हूँ अच्छी तरह से मैं, और इसके बाद जो कैम्बियम पोर्शन है उसको मैं अच्छी तरह से स्क्रैच कर लूँगा। और स्क्रैच करने से क्या होगा, आप उसमें से रूट करने ग्रो करने में आसानी होगी। तो ये अच्छी तरह से मैं कर लेता हूँ स्क्रैच, उसमें करने के बाद ये मैंने लगा लिया। अब ये जो मैंने डो लगाया, डो ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ पर कट मैंने दिया था उसके हिस्से से ऊपर में इच्छे तरह से अच्छी तरह से वो डो है, डो बॉल उसको मैं लगा देता हूँ। और ये जो 4 इंच का प्लास्टिक का ये कट है इसको मैंने इसको रैप कर देता हूँ। रैप करने के बाद ये जो जूट का जो धागा है, ये जो रस्सी है पतली सी सूतली, इसको मैं बांध देता हूँ, ऊपर एक बांध दूंगा और निचला हिस्सा, नीचे का हिस्सा फिर से राउंड देके निचले हिस्से में इसको टाइट करके बांध दूंगा। और बांधने के बाद उसमें एक गीट दे दूंगा अच्छी तरह से,
और ध्यान रखें इसमें कोई पानी देने की जरूरत नहीं है। एक महीने तक ये रखेंगे, बिल्कुल इसमें पानी देने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से इसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, ये इसी तरह से रहेंगे और इसमें रूट ग्रह कर सकते हैं। और देखते हैं, मैं दूसरा में उड़े फिर से आपको दिखा देता हूँ। अब अच्छी तरह से रिंग कट देते हैं, त्वचा की साइड जो ऊपर की छाल की साइड है उसको मैं अच्छी तरह से कर लेता हूँ उसको, और नीचे की तरफ से फिर से मैं एक तो कर लेता हूँ कटिंग, और उसमें चीरा लगा देता हूँ। चीरा लगाने के बाद उसका जो छाल का पोर्शन है, छिलका का पोर्शन है, इसको मैं हटा देता हूँ, और हटाने के बाद जो कैम्बियम का पोर्शन आएगा उसमें मैं उसको थोड़ा सा स्क्रैच कर लूँगा, ताकि उसमें अच्छी तरह से रूट का ग्रो हो सके, क्योंकि स्क्रैच आप अच्छी तरह से करेंगे तभी रूट आएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे रूट उसमें। और ये मैंने हटा दिया, ये करके इसमें स्क्रैच भी कर दिया। करने के बाद अब मैं उसको मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे इसमें से जो रूट बॉल मैंने बनाया था, ये जो बॉल जो दो बॉल बनाए थे, इसको मैंने दो हिस्से में बांट के ऊपर का जो हिस्सा है उसमें मैं अच्छे तरह से लगा देता हूँ। मैं लगाने के बाद प्लास्टिक से उसको रैप कर देता हूँ, प्लास्टिक से मोड़ देता हूँ। मोड़ने के बाद एक सूतली से या धागा से स्ट्रिंग से अच्छी तरह से ऊपर भी बांध देंगे, नीचे की तरफ बांध देंगे। टाइट पैकिंग होनी चाहिए, बिल्कुल किसी भी तरह हवा या पानी का उसमें अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर टाइट पैकिंग नहीं होगा तो आपके रूट ग्रो नहीं होंगे। तो ये ऊपर की तरफ से मैं बांध देता हूँ और नीचे की तरफ से बांध देता हूँ। और आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है मैं आपको पूरा रिजल्ट दिखाने वाला हूँ, आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिए। और मैं इसको मैं अच्छी तरह से बांध देता हूँ, इसमें रॉड दे देता हूँ, नॉट दे देता हूँ, इसमें गीट बांध देता हूँ अच्छी तरह से। और ये एक महीने में रख दे दूंगा मैं। और ये एक महीने पहले ऐसी काफ़ी सारी कटिंग मैंने की थी यहाँ पर। अब चलते हैं उसमें, दिखाता हूँ मैं आपको क्या स्थिति है, कैसा ग्रो किया कि नहीं किया। चलिए देखता हूँ मैं, एक महीने पहले जहाँ पर मैंने काफ़ी सारी एयर लेयरिंग कटाई थी, ये चलिए ये पौधे हैं। और मैं नीचे की तरफ देखता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, बहुत अच्छा रूटिंग हो गया है, बहुत खूब सुंदर सफ़ेद रंग का कितने सारे रूट ग्रो कर गए हैं। और ये देखिए ओड़ेक मैं दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत रूट ग्रो रही है। और ये देखिए कितने सारे, मैंने बहुत सारे कटिंग किए थे, सारे सक्सेसफुल हो गए, ईच एंड एवरी सक्सेसफुल हो गए हैं। अंदर भी मैं देखता हूँ सारे जी टहनी में एक एक करके मैंने कटिंग ग्रो किया था। ये देखिए कितनी सुंदर, बाहर नीचे सारे रूट्स आ गए कितने अच्छे। और एक घंटे पहले, कुछ मिनट पहले इसमें बारिश हो गई बहुत तेज, और मैं अब कटिंग उठा के ले लेता हूँ, कटर से कटिंग ले लेता हूँ, क्योंकि इसको मैं ग्रो कर सकूँ। ये बहुत अच्छा कटिंग ग्रो किया है, ये वीडियो पहले कभी आपने नहीं देखा होगा, यूट्यूब में पहली बार मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब में। आप पूरा वीडियो के देखिए, जितना से जितना संभव हो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं आप दिखाता हूँ जो जो कटिंग मैंने लिया था, इसमें से एक एक करके कटिंग ले लेता हूँ। लोग मुझे पूछते हैं कि जब आप कटिंग ले लेते हैं ऊपर की टिप कटिंग, तो निचले का हिस्सा का क्या होता है स्टेम का? आपको सोचने की जरूरत नहीं है, निचले हिस्से से दो तीन महीने से फिर से ब्रांचेस निकलेंगे और उसमें काफ़ी सारे ग्रो हो जाएंगे। ये देखिए मैंने लिया है ऊपर छत में और सारे में रूट ग्रो हो गए। ये कटिंग में आप इसमें पॉटिंग करने वाला हूँ, देखिए ये रूट्स कितना अच्छे ग्रो कर गए। मैं इसमें क्या करूँगा, धागे को हटाऊंगा और प्लास्टिक को हटाऊंगा, ये हल्के हाथों से हटाइए और मैं आपको दिखाता हूँ रूट। ये देखिए कितना अच्छा रूट, और निचला कैसा का जो स्टेम है ये कटिंग करके बाद दे देता हूँ मैं। ये देखिए कितना अच्छा रूट गया है, और दूसरा भी मैं स्ट्रिंग हटा देता हूँ इसका, और बहुत हल्के हाथों से ध्यान से हटाए ताकि जो रूट बॉल है डिस्टर्ब नहीं हो। और ये देखिए कितना सुंदर सफ़ेद रंग का रूट किया, स्टेम में नीचे का हिस्सा काट के बाद दे देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा है। और ये तीसरा मैं करता हूँ, ये देखिए सफ़ेद और गुलाबी रंग की रूट्स निकली है कितनी अच्छी। इसका धागा भी थोड़ा ख़राब हो गया, धागा भी मैं निकाल देता हूँ, प्लास्टिक भी निकाल देता हूँ, और इसको मैं अच्छी तरह से पॉटिंग कर लूँगा। और ये पॉटिंग कर लीजिएगा, आपका पौधा बिल्कुल तैयार हो जाएगा, बाज़ार में बहुत कीमती में बिकते हैं। आप एक दो कटिंग कर लेंगे, तीन चार कटिंग का सारे आपके पौधे बन जाए, कितने अच्छे रूट्स हैं। और मैं अब पॉटिंग करने जा रहा हूँ इसको, पॉटिंग करने के लिए, चूंकि ये बड़े पौधे हैं, कम से कम 8 इंच के टॉप पॉट तो चाहिए आपके लिए। और अगर छोटे पौधे हैं तो 5 इंच के पॉट में लगा सकते हैं, ये तो 8 इंच के पॉट में लगा रहा हूँ। और जो छोटा पौधा है उसके लिए मैं 5 इंच का पॉट लेता हूँ। और इसमें आप एक हिस्सा कंपोस्ट ले लें और 4 हिस्सा गार्डन सॉइल ले लें, 20% भर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट या 80% गार्डन सॉइल ले लें, और इसको एक तिहाई पॉट के नीचे डाल दें ताकि इसको पॉटिंग करने में आसान हो।
और उसके बाद हम प्लांट्स को डालेंगे। प्लांट के डालने के बाद उसमें दो तिहाई और से मिट्टी से डाल भर देंगे और ऊपर का एक इंच का हिसाब छोड़ देंगे, उसमें मिट्टी नहीं डालेंगे और हाथ से दबा देंगे। चलिए मैंने मिट्टी ले लिया है नीचे एक तिहाई हिस्सा, इसमें मिट्टी डाल के इसको मैं पॉटिंग कर लेता हूँ। और ये 8 इंच का पॉट है तो 7 इंच तक मैं इसमें मिट्टी डालूंगा। अच्छी तरह से मिट्टी डाल के हाथ से हल्के हाथ से अच्छी तरह से दबा दूंगा ताकि ये पौधा जो है स्टेबल हो जाए। तो ये तो मैं इसमें दबा रहा हूँ। इसे बहुत अच्छा पौधा है, कॉर्डिलाइन फ्रूटिकोसा रेड ड्रेसिंग कहते हैं। इंडोर लगाइए आउटडोर लगाइए, बहुत अच्छा पौधा होता है, बहुत खूबसूरती देता है, बहुत हार्डी प्लांट है। इसमें कीड़े मकोड़े भी बहुत कम लगते हैं और ये दिखने भी जितना सुंदर है आपको ग्रो करना भी उतना ही आसान है। तो ये तो मैंने लगा लिया है। अब दूसरा मैं पौधा इसमें लगा देता हूँ ताकि इसमें मोंटू घोराई मुझे हेल्प करने आया है उसमें थोड़ी सी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पौधा है, मुझे अकेले संभालना थोड़ा मुश्किल है। एक आदमी साथ दे दे तो अच्छा रहता है। तो ये तो रहा बहुत अच्छा, मैं इसमें मिट्टी डाल देता हूँ। और इस तरह से आप बहुत सारे जितने भी पौधे सारे कटिंग कीजिए और निचला हिस्सा जो स्टेम का बचा रहेगा उसमें से फ्रिज से ब्रांचेस निकल आएंगे और बहुत सारे ब्रांचेस हो जाएंगे। वैसे तो ये सिंगल ब्रांचेस होते हैं लेकिन अगर वो कटिंग कर ले तो उसमें बहुत सारे ब्रांचेस आ जाएंगे। तो ये जो तीसरा पौधा है इसको भी मैं, ये छोटा है, इसको मैं 5 इंच के पॉट में इसको ग्रो कर देता हूँ अच्छी तरह से। ग्रो करने के बाद सारी मिट्टी इसमें डालने के बाद थोड़ी सी उपले हिस्सा छोड़ देंगे ताकि पानी देने में इसमें आसानी हो जाए। और ये जो ग्रो करने के बाद आप 10-12 दिन इसको के नीचे रहने दें ताकि इसको एक्लिमेटाइज हो जाए नया एनवायरनमेंट में, उसके बाद आप बाहर रख सकते हैं। अब जो है हम इसमें पौधे में पानी डाल देंगे, पानी में डालेंगे। पहली बार आप पूरा पौधा में पानी डाल दें और अगले दिन से आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें एक दिन बाद और 10-15 दिन आप सेट के अंदर रख लें, उसके बाद आप बिल्कुल धूप में निकाल सकते हैं, आपका पौधा बिल्कुल तैयार है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया प्रोसेस। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए, आपका लाइक का बहुत महत्व है मेरे वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं आपको यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, ये शेयर करना नहीं भूले, बहुत लोगों को ये वीडियो की ज़रूरत है। तो आप अगर शेयर कर देंगे तो बहुत आभार रहे। और आप अगर तक इस चैनल में गार्डनिंग में पैसे नहीं हिंदी भाषा में नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के मैं बहुत सारे वीडियो देने वाला हूँ आपको, बहुत सारे कटिंग के बारे में, फुलेज के बारे में, सीडलिंग के बारे में, बहुत सारा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल में आने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल में आते ही मैं आपको बहुत बहुत सारी चीज़ें देता रहूँगा।